हेलो जी, वेलकम माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम इस डिजाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, ये देखिए। और इसको कपड़े को हमने बीच में से ऐसे कट कर दिया है। तो कुर्ती की जो पहनने के बाद लुक आएगी उसको आप साइड में देख सकते हैं। तो ये देखिए, हमने ये फ्रंट पार्ट ले लिया है, उसके बाद हमने ये बैक पार्ट बिछा लिया है। इसको हमने 11 इंच तक डबल फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ही कटिंग करेंगे। तो लंबाई हमने 46 इंच रखी है कुर्ती की। ऊपर से हमने 1 इंच पर निशान लगाया है, तो बैक साइड को हम 1 इंच बढ़ा कर लेते हैं। तो उसका निशान लगाया है मैंने यहाँ पर। तो तीरा हमने 7 इंच लिया है, उसके बाद आर्म होल हमने 7 इंच लिया है। यहाँ पर हमने छाती हमारी 34 इंच है, तो उसका 4th भाग करके 8.5 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ पर हमने 14 इंच पर एक और निशान लगाया, उसके बाद हमने 22 इंच पर नीचे निशान लगाया है। आप हिप का निशान 21 इंच पर भी लगा सकते हैं और 20 इंच पर भी। तो सभी निशानों को हमने ऐसे सीधा कर लिया है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे 7 इंच पर, और हिप का निशान हमने लगाया 9.5 इंच पर। तो जितनी भी हमारी राउंड में कमर और हिप का साइज है उसका हमने 4th भाग करना है और निशान लगा लेना है। तो जितना हमारा हिप साइज है वही हमने नीचे घेरे के लिए मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब इस निशान को हमने ऐसे सीधा मिला देना है। तो ये देखिए, अब हम 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा अंदर मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे, और इस निशान के ऊपर से हम कपड़े को कट करेंगे। आर्म होल की गोलाई देंगे 1.5 इंच से, ऊपर से हम हाफ कर लेंगे, और इस तरीके से हमने राउंड शेप दे देनी है। तो ये हमारे बैक का पार्ट की मार्किंग हो गई है, अब हम कट करेंगे। तो ये देखिए, हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो फिटिंग के निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान है ये कुर्ती बनाना। तो ये देखिए, हमने अब फ्रंट पार्ट को ऐसे बिछा लेना है। तो नीचे से हमारा तैयार है बॉर्डर के साथ, और 1 इंच हमने ऊपर ऐसे निकाल लेना है। बैक पार्ट जो हमने एक्स्ट्रा लिया है 1 इंच, उसको हमने बाहर निकालते हुए ऐसे बिल्कुल बराबर बिछा लेना है। अब हम ऊपर से आर्म होल की ऐसे मार्किंग कर लेंगे बिल्कुल बराबर। तो देखिए, यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है, जो कि हमारी आगे की साइड, ये सभ्यसाची कुर्ती है तो उसमें हमारी प्लेट डलेगी, तो बाद में हम इसको बराबर कर लेंगे। तो 12 इंच पर हमने एक और निशान लगाया है इस तरीके से। अब हमने बाहर की साइड जो मार्क किए हैं उसके ऊपर से ऐसे कट कर लेना है। तो देखिए, हमने अब बैक पार्ट को हटा देना है और आगे के पार्ट की छंटाई करनी है। तो यहाँ से हमने 12 इंच पर निशान लगाया। अब इस निशान को हमने सीधा कर लिया है ऐसे। अब हमने यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाया है, ये देखिए। ऊपर हमारा 7 इंच बचा है, तो यहाँ पर हम नेक की मार्किंग करेंगे। 3 इंच हमने नेक की विड्थ रखी है, और इस तरीके से यहाँ पर हमने वी नेक मार्किंग की है। तो यहाँ से हमने 3.5 इंच पर एक निशान लगाया है, ऊपर से हमने 10 इंच पर ऐसे निशान लगा लिया है। तो अब यहाँ से हमने ऐसे गोलाई दे देनी है, ये देखिए। अब हम आगे के आर्म होल की भी मार्किंग कर लेंगे ऐसे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने नेक को कट कर लेना है, और नीचे से हमने जो 12 इंच पर निशान लगाया था उसको ऐसे कट कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी प्लेटें आएंगी, और साइड में जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम बाद में बराबर करेंगे।
सिलाई करने के बाद यहाँ से हम कपड़ा बराबर करेंगे साइडों में से। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारी पलेटें डलेंगी और जो साइड में उसको हम बाद में कट करेंगे, बैक साइड के बराबर रख लेंगे बाद में। तो ये देखिए, हमारे फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव कट करेंगे। जो बैक पार्ट हमने निकाला था उसके साइड में से जो कपड़ा बचा है उसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स की लंबाई हमने 11 इंच तैयार रखनी है, तो उसमें हमने 3 इंच प्लस करके लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा लगभग 8 या 8.5 इंच होना चाहिए। तो अगर आपका कम है तो इस तरीके से हम दो पार्ट को पीछे करके ले लेंगे। तो यहाँ पर हम म्यानी डाल लेंगे बाद में। तो ये देखिए, आरमोल की गोलाई दे दी है ऊपर से, और नीचे से हमने मोहरी जितनी रखनी है उसमें हमने 2 इंच प्लस करके ऐसे निशान लगा लेने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा 8.5 इंच आरमोल की फिटिंग है। तो ऐसे हम निशान लगा लेने हैं और निशानों के ऊपर से हमने कट कर देना है। अब जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको हमने ऐसे डबल फोल्ड करना है और बाजू को हमने उसके ऊपर रखना है। ये देखिए, अब हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो प्लेटें डाली हैं उनको हमने दोनों साइड ऐसे निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब हम सबसे पहले ये दोनों साइड की प्लेटें डालेंगे। तो 1/2 इंच कपड़ा दबाते हुए ऐसे प्लेट डाल लेनी है। ये देखिए, तो ये देखिए दोनों साइड हमने प्लेटें डाल ली हैं। अब हम इसे नीचे वाले पार्ट के साथ जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए, हमने बीच में से सिलना स्टार्ट करना है। ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है ताकि हमारा दोनों साइड कपड़ा बराबर आ जाए। ये देखिए, तो अब हमने दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से सिल लेना है। तो ये देखिए, दोनों साइड हमने 1/2 इंच कपड़ा दबाते हुए सिल लिया है। अब हमें सिलाई मार्जिन को ऊपर की साइड रखते हुए ऊपर हम किनारे वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, ये डिजाइनर कुर्ती बनाना बहुत ही आसान है और बनाने के बाद इसकी बहुत अच्छे से फिटिंग आती है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर नेक बनाने के लिए ये पेपर पेस्टिंग ली है। उस पर हमने नेक को ऐसे रखना है और मार्क कर लेना है बिल्कुल बराबर।
अब हमने एक इंच या 1.25 इंच हमने अंदर की साइड ऐसे निशान लगा लेना। अभी निशानों के ऊपर से हम ऐसे कट कर लेंगे। तो देखिए हमने नेक कटिंग कर ली है और उसको हमने ऐसे कपड़े के ऊपर प्रेस के साथ चिपका लिया है। अब हम बीच में से भी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। ये देखिए अब हम साइड से इस तरीके से 1/2 इंच कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे किनारे वाली साइड से। ये देखिए अब हम इसको ऐसे बिल्कुल बराबर रखते हुए सिल लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारी और भी नई डिजाइन वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए हमने बीच में छोटे छोटे कट लगाने हैं, तो ध्यान रखना है हमारी सिलाई ना कटे। अब देखिए नेक को हमने ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करना है और ऊपर हमने बड़े टांके की सिलाई लगा लेनी है ताकि बाद में हम तुरपाई करने के बाद हटा सकें। तो ये देखिए नेक हमने तैयार कर लिया है और नीचे से हमारा बॉर्डर पहले से ही तैयार है। अब हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक कट करेंगे। तो 6 इंच का नेक हमने रखना है बैक साइड में और 3 इंच हमने नेक की विड्थ ली है। इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए निशान लगा लेना है। अब इस निशान के ऊपर से हमने कपड़े को कट कर दिया है। इस पर हम तिरछी पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए हमने ये 2 तिरछी पट्टी ली है, उसको हमने ऐसे ज्वाइंट कर लिया है बीच में से। ये देखिए अब इस पट्टी को हम ऐसे डबल करके लगाएंगे। ये देखिए ऐसे डबल फोल्ड करके लगा लेंगे। तो ध्यान रखना हमने पट्टी को या कपड़े को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए बीच में हमने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। अब हम इसके किनारे वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये किनारे वाली सिलाई लगाने से हमारा जो नेक पट्टी है वो अंदर की साइड फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाती है। अब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने सबसे पहले ऐसे रखना है, जो हमारी बैक पट्टी है उसको हमने आगे की साइड निकाला और सिलाई से सिलाई मिलाते हैं सिलाई कर ली है। अब हम इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमने दोनों साइड के शोल्डर सिल लेने हैं। ये देखिए ऐसे। तो देखिए अब हम बैक में भी बड़े टांके की सिलाई लगाएंगे। अब हम फ्रंट और बैक को बराबर कर लेंगे। जो हमने साइड में एक्स्ट्रा लिया था उसको हम
कट करेंगे। तो ये देखिए दोनों पार्ट को हमने ऐसे इक्वल बिछा लेना है। ये देखिए तो जो हमारा साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम कट कर देंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो हमने चौक के साथ मार्किंग की थी उसी के ऊपर से हम ऐसे फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने एक साइड की फिटिंग की सिलाई लगा ली। अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही फिटिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने फिटिंग लगा ली है। अब हम बाजू लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बाजू तैयार करेंगे जो हमने जॉइंट लगाने हैं। तो साइड में हम ये जॉइंट लगाएंगे। अब हम डबल फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। तो ये देखिए कपड़े को हमने ऐसे डबल फोल्ड करते हुए बड़े टांके की सिलाई लगा लेनी है। अब हम जितने हमने तैयार मोहरी रखनी है फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने 8.5 इंच रखना है। अब हम इस सिलाई को डबल कर लेंगे। तो दोनों बाजू को हमने ऐसे ही तैयार कर लेना है। अब हम बाजू को ऊपर नीचे ऐसे रखेंगे, उल्टा करके रखेंगे बाजू को, और जितने हमने तैयार रखनी है उसका निशान लगाएंगे और 1/2 इंच हमारा सिलाई का निशान लगाएंगे जो हमारा सिलाई में दबेगा। अब देखिए ऊपर नीचे वाले पल्ले को हम छोड़ देंगे और बीच वाले की छंटाई करेंगे जो हमारी फ्रंट साइड की छंटाई होती है। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, तैयार करने के बाद भी आप इसकी कटाई कर सकते हैं आगे की साइड की। तो अब देखिए बाजू को हम कुर्ती पर लगाएंगे। तो कुर्ती को हमने उल्टा रखा है और बाजू को हमने सीधा रखा है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने बाजू को लगाना है। ये देखिए अब हमने ऐसे अंदर वाले मार्जिन को नीचे की साइड निकाल लेना फोल्ड करते हुए, और सिलाई के ऊपर सिलाई को रखना है और 1/2 इंच कपड़ा रखते हुए सिल लेना है। तो ये देखिए अब हमने ऐसे ही दूसरी बाजू को भी लगा लेना है। तो ये देखिए ऊपर से हमने कुर्ती को तैयार कर लिया है। अब हम इसके चाक फोल्ड करेंगे। तो साइड में हम चाक पट्टी लगाएंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने ऐसे चाक पट्टी लगा ली है। अब हम नीचे की साइड, ये देखिए हमने जॉइंट लगाना पड़ेगा बैक साइड में। तो ये देखिए हमने बिल्कुल बराबर रखते हुए कट कर लेना है। अब हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे।
अब हमने जो जॉइंट लगाया उसके किनारे वाली सिलाई लगाएंगे और इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे रॉन्ग साइड। ये देखिए जितने हमने तैयार घेरा रखना है उसको हमने एक्स्ट्रा कपड़े को हमने अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब हम साइड से बराबर रखते हैं कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों साइड की चाक हमने ऐसे ही फोल्ड कर लेनी है और बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर फोल्ड किया है मैंने। तो तैयार करने के बाद दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए हमने यहाँ पर तुरपाई कर ली है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही अच्छी लगती है ये गर्मियों में कुर्ती, कॉटन कुर्ती को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।